वैसे देखो, टेक्नोलॉजी की दुनिया में मतलब एक बात तो कंफर्म है कि आप कुछ और हो या ना हो, लेकिन प्रो होना जरूरी है। और यहां पे आ गया है रियलमी का लेटेस्ट प्रोडक्ट, रियलमी बड्स एयर 5 प्रो। ये TWS स्टाइल के ईयरफोन्स हैं और काफी प्रो फीचर्स लेके आते हैं। आज हम इस वीडियो को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, हम करते हैं इनको अनबॉक्स और देखते हैं कि आखिर जो फीचर्स हैं क्या वो वाकई में इनको प्रो बनाते हैं या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। देखो रियलमी की ना वो पीली पीली पैकेजिंग है, मतलब दूर से ना दुकान में सामान रखा हो तो बंदा पहले ही पहचान जाए कि ये रियलमी का आइटम होगा। हमारे पास दोस्तों सामने ये ईयरफोन्स हैं, साइड में कुछ कुछ जो है वो स्पेक्स लिखी हैं, बताते हैं क्या क्या इनके फीचर्स होने वाले हैं। खैर अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस इज प्रीटी सिंपल। सबसे पहले हमारे पास में रखे हैं व्हाइट कलर में आने वाले यू नो ईयरफोन्स, लेकिन मजे की बात, दिस इज नॉट व्हाइट एज पर रियलमी, दिस इज सनराइज बेज। इसमें बेज मुझे कहां दिख रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, बट एनीवे, इसके अलावा अगर हम देखते हैं नीचे व्हाट वी हैव, तो गॉट यस डेयर टू लीप वाली ये गाइड विद द डिटेल्स, बेसिक USB A to C केबल छोटी सी एंड सम एक्स्ट्रा एयर टिप्स। अगर हम बात करते हैं ईयरफोन्स की, बाय द वे, तो इट्स अ कंप्लीट पेबल लाइक डिजाइन, आपको ऐसा पूरा राउंड शेप में मिलता है। ऊपर यहाँ पे एक नो ट्रांसलूसेंट सेक्शन है विद द ब्रांडिंग ऑफ रियलमी, साइड में हमारे पास में एक बटन भी है, पीछे एक इसमें इंडिकेटर लाइट भी है सामने की तरफ, नीचे एक USB-C पोर्ट है। एक बार आप देखो थोड़ा ध्यान से, फिर आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या इंटरेस्टिंग फीचर्स रियलमी ने पैक किए। अगर हम बात करते हैं रियलमी बड्स एयर 5 प्रो के बारे में, तो फर्स्ट थिंग दैट यू वुड नोटिस इज कि जो इनका डिजाइन है ना वो आधा जो है आगे का वो एयरपॉड्स जैसा लगता है, बिकॉज हमारे पास में ये यू नो इन ईयर डिटेक्शन सेंसर वगैरह हमको मिल जाता है। बाकी जो पीछे की आधी डंडी है वो एक अलग स्टाइल की है, एंड मतलब वाइट कलर के एयरफोन्स ना, पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है स्पेशली शेप वाले की दूर से ना मतलब वो एयरपॉड्स वाली ही एक फील देते हैं। बट या अच्छी बात ये है कि इसके अंदर जो काम किया रियलमी ने वो काफ़ी यूनिक है, बिकॉज हमारे पास में एक ड्यूअल ड्राइवर वाली टेक्नोलॉजी रियलमी ने यूज़ किया है, जहाँ पे एक है 11mm का और दूसरा है 6mm का फॉर यू नो गिविंग यू अ बेटर क्वालिटी। साथ में हर एक ईयरबड में अगर आप देखोगे तो आपको 3 माइक्रोफोन्स मिलते हैं, 3 माइक्रोफोन्स पर ईयरबड, तो मतलब 3 इसमें हैं और 3 इसमें भी हैं, तो ये एक और एक्स्ट्रा एडवांटेज लेके आता है। एंड ऑफ कोर्स यू नो ये नॉइस कैंसिलेशन को सपोर्ट करते हैं, जहां पे आपके पास में अलग अलग मोड्स हैं, आपको कैसी नॉइस कैंसिलेशन चाहिए, मतलब एकदम ऐसा पूरा स्ट्रांग वाला आपको इफेक्ट चाहिए या हल्का फुल्का नॉइस कैंसिल हो जाए आपको वो चाहिए, यू कैन इवन पर्सनलाइज दैट, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड मजे की बात ये कि यार ये LDAC को सपोर्ट करते हैं, और ये अगर आप देखोगे बॉक्स में यहां पे लिखा हुआ है ये हाई रेज ऑडियो वायरलेस बिकॉज ऑफ LDAC, उसका मजा आपको देने वाले हैं, तो मतलब आपको एकदम ऐसा हाई रेज वाला पूरा मजा मिलेगा। स्पीकिंग ऑफ ब्लूटूथ, तो यहां पे हमारे पास में यू नो दे कम विद ब्लूटूथ वर्जन 5.3, जहां पे आपको स्टैंडर्ड जो ब्लूटूथ रेंज है वो मिल जाती है। और इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं IP रेटिंग की, तो IPX5 यहां पे आपको बड्स में सपोर्ट मिलता है, नॉट इन द केस, तो मतलब बड्स पहन के आप हल्का फुल्का वर्कआउट वगैरह वो सब कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं बैटरी की, दिस इज वेयर ये एकदम अलग ही शाइन कर जाते हैं, बिकॉज वी गेट 11 आवर्स तक का प्लेबैक इन द बड्स, और अगर आप टोटल केस को कंबाइन कर लें तो अप टू 40 आवर्स का प्लेबैक इन टोटल, तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। एंड स्पेशली बिकॉज आप कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास में ना ऊपर का ये जो एरिया है ये टच इनपुट्स के लिए है, तो सिंगल टैप डबल टैप प्रेस एंड होल्ड मतलब करके यू कैन इजिली कस्टमाइज योर कंट्रोल्स, और आप यू नो एक अच्छा एक्सपीरियंस ले पाएंगे ऑडियो का, बिकॉज द मोमेंट यू वियर देम मतलब लिटरली आसपास की दुनिया बिल्कुल सन्नाटे में चली जाती है। अगर आप चाहो तो आप ट्रांसपेरेंसी मोड को भी खैर इसमें यूज़ कर सकते हो। सो द ऑडियो एक्सपीरियंस इन वेरी रिच इन दीज रियलमी बड्स एयर 5 प्रो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फीचर्स की, तो ऑफकोर्स हमारे पास में इसमें 360° स्पेशल ऑडियो का इफेक्ट हमको मिल जाता है, साथ में 40 मिलीसेकंड्स का हमको लो लेटेंसी का सपोर्ट मिलता है, तो बेसिकली अगर आप इनको पहन के गेम वगैरह खेल रहे हो तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड देन यहाँ पे हमारे पास में वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी है, तो
इन जनरल जो आपका पूरा यूजेज वाला एक्सपीरियंस है, फिर चाहे आप गूगल को बुलाएं या एलेक्सा को, मतलब दोनों केसेस में देयर इज नो प्रॉब्लम, वो सब आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो दिस इज द रियलमी बड्स एयर 5 प्रो, एंड नाम तो जहां तक है बिकॉज ऑफ द साउंड क्वालिटी, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, ये जस्टिफाई करते हैं। एंड आपको हाई रेज का जो मजा मिलता है ना, वो डेफिनेटली इट्स वेरी गुड। हाँ, मतलब एट द सेम टाइम चार्जिंग के लिए हमारे पास में टाइप सी का ऑप्शन है, वायरलेस चार्जिंग वगैरह वो सब आपको नहीं मिलने वाली, बिकॉज प्राइस जो है वो थोड़ा सा बजट फ्रेंडली है। अगर हम बात करते हैं इनफैक्ट प्राइस की, तो यहाँ पे द ऑफिशियल प्राइस राइट डाउन, ऑल्दो बॉक्स पे जो लिखी है वो है 7,999 रुपये, इनकी जो एक्चुअल प्राइस है वो है 4,999 रुपये। और अभी जो रियलमी का करंट इसमें चल रहा है, आपको एज एन ऑफर आप समझ लो, इंट्रोडक्टरी प्राइस आप समझ लो, तो जो प्राइस है वो है 4,499 रुपीज फॉर दीज रियलमी बड्स एयर 5 प्रो। बट माई क्वेश्चन इज, मतलब देखो डेफिनेटली अच्छे ईयरफोन्स हैं और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा साउंड पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मार्केट में इतने सारे ऑप्शन हो गए ना, मतलब दिस इज अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं एक जेनरिक बात कर रहा हूँ कि अगर आपका एक बजट मान लो 5,000 रुपए का आपको ईयरफोन चाहिए गाइस, तो मतलब पता नहीं कितने सारे ब्रांड्स के, कितने सारे इनफैक्ट एक से बढ़ के एक अच्छे से अच्छे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मतलब एट द एंड इट गेट्स कंफ्यूजिंग कि आप कौन सा लो और कौन सा छोड़ो। तो लिस्ट में भी एक और नाम ऐड हो गया है रियलमी के नए बड्स एयर 5 प्रो का। आई थिंक द रीज़न क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है और एक अच्छा एक्सपीरियंस है, इट्स बिकॉज ओप्पो की अगर हम बात करेंगे ना, तो बिकॉज ओप्पो एंड रियलमी काइंड ऑफ शेयर अ लॉट एट टाइम्स, एंड ओप्पो के इनकोबर्ड्स आपको बताया कि बहुत एक अच्छी क्वालिटी लेके आते हैं। सो आई थिंक दिस इज कमिंग फ्रॉम द सेम सिमिलर बैकग्राउंड, एंड दैट्स द रीजन परहैप्स कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है इन्हीं बड्स एयर 5 प्रो के साथ में। वैसे अगर आपका एक्सपीरियंस इस वीडियो के थ्रू बहुत अच्छा मिला है आपको, तो मुझे बताओ नीचे लाइक करते हुए, वीडियो को कमेंट करने के बाद शेयर करते हुए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।